नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास, भारत की झोली में पहला गोल्ड, 13 साल बाद भारत को दिलाया गोल्ड, टोक्यो ओलंपिक में भारत को मिली बड़ी कामयाबी। तू भी राणा का वंशज, एक जहां तक भाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में इतिहास रच दिया, भाला फेंक के फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत की झोली में पहला गोल्ड मेडल दिलाया। फाइनल मैच में नीरज चोपड़ा ने अपने दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर में भाला फेंकते हुए देश का सपना सच कर दिया। अभी तक गोल्ड मेडल की आस लगाए बैठे देशवासियों के अरमानों को नीरज चोपड़ा ने पूरा कर दिया। पूरे देश को नीरज चोपड़ा से गोल्ड मेडल जीतने की उम्मीद थी, नीरज चोपड़ा इस उम्मीद पर पूरी तरह से खरे उतरे। भारत को ओलंपिक में 13 साल बाद गोल्ड मेडल मिला है। इससे पहले बीजिंग ओलंपिक 2008 में पहली बार गोल्ड मेडल जीतने का कारनामा दिग्गज शूटर अभिनव बिंद्रा ने किया था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को यह पहला गोल्ड और 7वां पदक है। नीरज चोपड़ा ने जैसे ही गोल्ड मेडल जीता, पूरे देश में जश्न का माहौल हो गया। भारत को गोल्ड दिलाकर टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल को लेकर पड़े सूखे को नीरज चोपड़ा ने भर दिया।